हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाइए, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये चौथा प्रश्न जो संस्कृत परिचायिका से आया है, ये कैसे आता है? देखिए, इस प्रकार से दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। तो जैसे इसमें दो दिया हुआ है, हम दूसरे वाले का ये बता रहे हैं। जैसे ये है, सर्वे भयंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु माँ कश्चित सुख भाग भवेत। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां संकेत लिखना चाहे तो लिखें या कोई जरूरत नहीं है। सर्वे भवंतु यानी पहले वाला अक्षर, फिर लास्ट वाला डॉट डॉट करके दुख भाग भवेत, इसको लिखिए। फिर इसका संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के संस्कृत परिचायिका से भारतीय संस्कृत नामक शीर्षक से अवतरित है। ये हो गया हमारा। इसके बाद इसमें जो भी वर्णन है उसको स्पष्ट नीचे लिखेंगे। कैसे? इस अंश में संस्कृत के उल्लेख का वर्णन किया गया है, है ना। क्या उल्लेख किया गया है? संस्कृत के उल्लेख का वर्णन किया गया है, इस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे। अब देखिए, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, इसके बाद हम हिंदी में अनुवाद इस प्रकार, इसके बाद हिंदी अनुवाद वाला, देखिए इसके बाद हिंदी अनुवाद वाला भाग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोगित हों। सभी लोग कैसे हों? निरोगित हों, ठीक, और निरोगित रहें। सभी लोग, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी दुख का भागी ना बने, कोई भी दुख का भागी ना बने, इस प्रकार से हम अनुवाद लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये संस्कृत परिचायिका वाले का उत्तर हो गया।